So in last lecture, we have derived relation for velocity and radius. Velocity का जो relation हमने derive किया था, anyone? What is the formula for velocity? 2.1 into 10 to the power 6 into z upon l. Final value नहीं, मुझे derivation भी बताओ. 2 pi k e square upon h z upon n. ठीक है. टू पाई एम के ई स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन एन, यही फॉर्मूला डिराइव किया था हमने. यस सर. यस सर. यस सर. Sir, M was not there. Sorry? In the velocity formula, 2 pi k e square tha, M nahi tha uske andar. M cancel ho gaya tha. 2 pi k e square by h. Radius yes. Ka formula? H square upon? H 4 pi square m k e square. 4 pi square m k e square. Sir, pi square tha. Pi square tha, sir. 4 pi square mk square n square by z. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. So ये सब कुछ हमने derive किया था last time, कुछ questions किए थे इस पे based हमने. Okay, हम चलें अब आगे postulates continue करें. Yes, sir. Any doubts, sir? Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को यहां तक? नो सर. कितने पोस्टुलेट्स हो गए थे हमारे? 4. 4. यू कैन राइट पोस्टुलेट कंटिन्यू. Okay, I need to share screen. एक बार तुम लिख लो, फिर मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा. अब जो भी postulates आएंगे, they are related to energy. Share कर रहा हूं मैं स्क्रीन.
पोस्टलेट कंटिन्यू फिफ्थ वन ये ऑटो राइट फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम इट मींस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू रिवॉल्व विदाउट लूजिंग एनर्जी इन एन ऑर्बिट तुम कॉपी करो मैं पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ यू हैव टू कॉपी फिफ्थ सिक्स सेवन एट मतलब यहां से सब कुछ कॉपी करना है इस लाइन के नीचे से हो गया है कॉपी सभी का यस सर नहीं सर वन मिनट
डेंसर 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 नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ यू हैव टू कॉपी टिल हियर. मैं सब कुछ बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट कॉपी कर लो एक बार. नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ देन दिस स्टार मार्क नोट जो लिखा है. डेरिवेशन ऑफ एनर्जी के पहले तक का तुम्हें कॉपी करना है. लिखना तुम्हें लिखना है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी के पहले तक का, इसके ऊपर तक का. हो गया वन मिनट. यस सर. डन सर.
ओके चलो मैं वन बाय वन वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेक्चर नोट्स हमारे सामने होंगे, सबने लिखा होगा वो. Just 1 minute, camera. Okay. The fifth postulate, energy of electron in a given orbit does not change with time. It means electron continue to revolve without losing energy in a given orbit. हमें ये बोला गया है fifth postulate में, if electron is revolving, let's say in second orbit, it will not lose any energy in the second orbit. Up to infinite time, ये कभी भी ना energy gain करेगा ना lose करेगा during its movement. Clear? किसी भी given orbit में electron continuously revolve करता रहेगा without losing or without gaining any amount of energy. Now the sixth postulate, वो खुद से ना gain करेगा ना lose करेगा, but let's say हम उसे कुछ energy supply कर रहे हैं बाहर से photon के form में. Clear? If we are supplying energy in the form of photon, then this electron get excited from lower energy level to high energy level. Let's say मैंने इसे energy supply किया, वो energy था energy difference between second and fourth level. So अब electron second से fourth level पे आ जाएगा और वो यहाँ पर revolve करना start होगा. So fifth और sixth point का सिर्फ ये मतलब है, in a given orbit, energy of an electron always remains constant. इस orbit में ना electron का energy increase होगा ना decrease होगा. यदि वो यहां पर आ गया तो डेफिनेटली फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी सेकंड ऑर्बिट से डिफरेंट है, बट फोर्थ ऑर्बिट का अपना एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा. मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक एटम में, हाइड्रोजन के एटम में फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी 15 यूनिट, दूसरे में 14, तीसरे में 13, ऐसा पॉसिबल नहीं. जितने भी हाइड्रोजन एटम है सब में फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा जो भी. क्लियर? डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम सेकंड, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम थर्ड, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट. हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी फिक्स होगा. इलेक्ट्रॉन को यदि अपना एनर्जी चेंज करना है तो उसे ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा. क्या ये हमें समझ में आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट? यस सर. अब आते हैं सेवन्थ पॉइंट पर. सेवन्थ पॉइंट में ये बोल रखा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन अब्सॉर्ब ओनली दोस क्वांटा व्हिच कैन टेक इट टू अ हायर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, अदरवाइज इट विल नॉट अब्सॉर्ब एनर्जी और क्वांटा. हमने एनर्जी सप्लाई की फोटोन के फॉर्म में एच न्यू. दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसर्न लेवल. यदि इलेक्ट्रॉन N1 लेवल से हायर N2 लेवल पे जा रहा है तो उनका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए एनर्जी ऑफ क्वांटा. क्वांटा फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. क्या कभी भी मैं क्वांटा को ब्रेक कर सकता हूँ क्या? कैसा पॉसिबल है? एक क्वांटा मेरे पास आया, उसको कुछ पार्ट मैंने दो किया और कुछ नहीं किया. डू वी हैव सच काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्वांटा? इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट ब्रेकेबल. नॉट ब्रेकेबल ऐसा डिफाइन किया था क्या हमने? यस यस सर. इसे तो हम कभी ब्रेक कर नहीं सकते, नॉन ब्रेकेबल है वो. क्लियर? सो सबसे छोटा पैकेट है एनर्जी का नॉन ब्रेकेबल. या तो वो पूरा का पूरा एनर्जी अब्सॉर्ब होगा या नहीं होगा. अब देखो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकंड और थर्ड के बीच में चला जाए या फर्स्ट और सेकंड के बीच में चला जाए. सेकंड ऑर्बिट बोले मतलब नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है. सो वी कैन नॉट सप्लाई एनी एनर्जी व्हिच कैन टेक इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 3 एंड 4. किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में नहीं जा सकता है इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सो लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी फॉर एग्जांपल 5 यूनिट, इसका एनर्जी 8 यूनिट. हमें एग्जैक्टली कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट से सेकंड पे लाने के लिए? 5 माइनस 8, 3 यूनिट सप्लाई करना पड़ेगा.
इतना समझ में आता है हमें? यस सर। यस सर। तुमने 2.99 भी किया या 3.15 भी किया तो ऐसा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। क्या तुम इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेकर आ रहे हो या यहां पर लेकर आ रहे हो? Such kind of energy will not be absorbed by electron. ऐसा quanta, ऐसा photon absorb ही नहीं होगा। हाँ, let's say इसका energy 12 unit. तो तुम इतना supply कर सकते हो 7 unit energy, so that electron can jump from first to third. यदि तुमने 7 supply किया 12 minus 5, तो third पे आ जाएगा। But 6.9 किया, तो यहाँ पर आएगा। 7.2 किया, तो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे quanta को absorb ही नहीं करेगा। कोई भी electron, देखो। मेरे पास ऑप्शन है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता हूँ, आई कैन गो टू द सेकंड फ्लोर, आई कैन गो टू द थर्ड फ्लोर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैं 1.9 फ्लोर पर खड़ा हूँ, मैं 1.3 फ्लोर पे खड़ा हूँ, मतलब दो फ्लोर के बीच में कहीं हवा में रह सकता हूँ क्या मैं? नो सर। इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में या इसमें या इसमें, इट कैन नॉट स्टे समवेयर इन बिटवीन दिस टू ऑर्बिट। तो यदि ऐसा एनर्जी सप्लाई करोगे तो फोटोन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन वो वाला फोटोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ वो फोटोन एक्सेप्ट करेगा जो उसे हायर एनर्जी पे लेके जा रहा है। चलो, क्या इतना क्लियर है अभी? 5, 6, 7 पॉइंट पढ़ लो जल्दी से, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। 5, 6 and 7 पोस्टुलेट, इफ यू हैव एनी डाउट आई एम वेटिंग फॉर इट। श्रदुल, शेखर, शौर्य, श्रिया, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस। ओके, सर तुम अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? सीएस ट्रिपरे, प्लीज एंटर विद योर नेम, तुम्हारा जो नाम है रीनेम करो ना उसे, ऑप्शन है ना रीनेम का? अरनीता, ईशान एंड स्वरूप, यू हैव नॉट एंटर्ड विथ योर सीरियल नंबर, व्हाई? चारु दत्ता, हाँ क्या डाउट है तुम्हारा पूछो? उससे कम एनर्जी हुई तो किससे कम एनर्जी? व्हाट इज योर डाउट एग्जैक्टली? चलता हूं नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए, उसको जो एनर्जी लगी उससे कम मिली तो वो नहीं जाएगा ना फिर? हाँ, यही मैंने बताया, उससे कम या उससे ज्यादा दी। चलो देखो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जस्ट फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 10.2, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 12.09, लेट्स से if you are supplying energy which is not exactly equal to this, तुमने supply किया 9.5 कुछ ऐसा supply किया, ऐसा energy absorb ही नहीं करेगा electron, it cannot go between 1 and 2। अब तुमने supply किया 11 unit, so 11 unit इन दोनों के बीच में लेकर आ सकता है, तो ऐसा भी नहीं absorb करेगा, वो 10.2 absorb करेगा, उसके बाद सीधा 12.09, उसके बाद जो 1 और 4 के बीच का reference होगा, so it will absorb only those energy, those quanta which can take this electron to the some higher specific level, not in between two level. Got it? Sir. चलो अब हम आते हैं next postulate पर। Yes, कोई कुछ बोल रहा है? Sir, 7 point के नीचे star point लिखा है आपने, वो थोड़ा explain करें। बहुत कम आवाज आ रही है तुम्हारी, माइक थोड़ा सा पास से लाके बोलूं। सर, 7 पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट है, वो जरा एक्सप्लेन कर देंगे? 7 पॉइंट के नीचे, उसको अब मैं उस पे आ रहा हूँ, पता है?
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर ऑर्बिट पर, हमने एनर्जी तो सप्लाई कर दी उसे, फर्स्ट ऑर्बिट से लेट से हम उसे थर्ड ऑर्बिट पे लेकर आ गए, बट द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, द वर्ड एक्साइटेड मींस हायर एनर्जी स्टेट, उनका एक्साइटेड स्टेट पे लाइफ टाइम बहुत कम होता है, वो होता है 10^-8 सेकंड के ऑर्डर का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्लियर, बहुत कम है। सो अब उतने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फर्दर डी एक्साइट टू द ग्राउंड लेवल बाय एमिटिंग सर्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन एब्जॉर्ब किया ऊपर चला गया, ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा फोटोन एमिट करके, क्लियर। सो द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस इन द हायर एनर्जी लेवल, इन द एक्साइटेड लेवल, गॉट इट? ये इलेक्ट्रॉन है मैंने ऊपर तो भेज दिया, बट ऊपर जाने के बाद वापस से वो एनर्जी लूज करके नीचे आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बट इफ सप्लाइड एनर्जी इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ऑल द क्वांटा विच इज यूज्ड to ionize the electron and remaining part of it converts into kinetic energy of ejected electron. देखो, ये photoelectric effect वाला है, कैसे? हमने उसे इतना energy supply कर दिया electron को, 1, 2, 3 और एक infinity ले लेते हैं, infinity मतलब out of the atom. तुम जब तक atom के अंदर हो, if you are supplying energy which is less than ionization energy means You are not taking electron out of the atom. हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं ले जा रहे, हम उससे कम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. Then we have such kind of compulsion. Electron absorbs only those quanta which is equal, which has energy exactly equal to the two concern level, जहाँ पे वो excitation हो रहा है. But अब question आता है, sir यदि हम इतना energy supply कर देंगे जो से infinite orbit means just out of the atom. एक थियोरेटिकल टर्म है इनफाइनाइट, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये होगा जस्ट एटम के बाहर, यदि हम उसे इतना एनर्जी सप्लाई करेंगे कि वो एटम के बाहर चला जाए, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा, तो ये केस हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इफ एनर्जी सप्लाई इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी देन इट विल एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी, फिर वो कंपल्सन नहीं बचेगा कि इतना ही एब्जॉर्ब, क्योंकि अब तो एटम के बाहर जाने का तो ऑर्बिट तो बचा ही नहीं कुछ। लेट से आयोनाइजेशन एनर्जी है 20 यूनिट, हम सप्लाई कर रहे हैं 35 यूनिट, सो 20 यूनिट यूटिलाइज हो गया बाहर लाने में, बचा 50 यूनिट, कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने एनर्जी सप्लाई किया, कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में यूज हो गया और बचा हुआ पार्ट उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया ये वाला पॉइंट सर? अगर दोनों इक्वल हो तो वो जस्ट बाहर आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो, जैसा फोटोइलेक्ट्रिक पढ़ा था। अभी क्लियर है? यस सर। अब आते हैं हम 9th पॉइंट पर, नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पर। 9th टेंथ इलेवेंथ पॉइंट में कुछ ये कहा गया है, फर्स्ट ऑर्बिट, If let's say you are exciting electron from first to second orbit, हम उसे यहाँ पर excite करते हैं. Practically, it is not possible to excite electron from the excited state. ये यहाँ पर इसका जो lifetime है वो है 10^-8 second. इतना कम lifetime है इसका, so in that much life, that much less time. We cannot supply another photon to this electron and we cannot excite it further from 2 to 3, 2 to 4. Means, हम 1 से 2 तो लेके जा सकते हैं, हम 1 से 3 भी लेके जा सकते हैं, हम 1 से किसी भी high energy पे लेके जा सकते हैं, but 2 to 3, 3 to 5, such kind of excitations are not possible. क्यों possible नहीं है? In excited state में उसका lifetime इतना कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्साइट करना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इज दैट ओके?
यस सर। प्रैक्टिकली तुम एक्साइटेड स्टेट से फर्दर एक्साइट नहीं कर सकते। एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल। फर्स्ट लेवल को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड फ्लोर, सबसे लो लेवल। उससे हायर सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जैसे हमारे बिल्डिंग में चलता है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो थर्ड लेवल पे जाएंगे मतलब ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, उसे हम सेकंड फ्लोर बोलते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, टेंथ ऑर्बिट, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। इज दैट ओके? अर्चिसा इतना समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कहा गया है, अब आती बात डी एक्साइटेशन की। इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे तो आ गया है, फोर्थ ऑर्बिट पे तो आ गया है, क्लियर? नॉट ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन हमारे पास वेरियस ऑप्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 4-7 डायरेक्ट आ जाए, 4-7 डायरेक्टली डी एक्साइट हो जाए, क्लियर? कुछ और ऑप्शन में तुम्हें बताता हूं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन 4-3, 3-2, 2-1 आए, 4-2, 2-1, 4-3, 3-1। सो वी हैव वेरियस पॉसिबल ऑप्शन। एक बार इलेक्ट्रॉन 4 पे चला गया तो 4-7 डायरेक्टली, 4-3, 3-2, 2-1, 4-2, 2-1। सो वी हैव वेरियस ऑप्शन एंड ऑल दिस ऑप्शंस आर पॉसिबल ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, बिकॉज ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट डोंट हैव टू वेट फॉर फोटोन। उसे फोटोन का वेट नहीं करना है, उसे तो फोटोन रिलीज करना है। देखो ये मार्कर अपने आप कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक इसे बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं। बट यदि मैं अपना फोर्स रिमूव करूंगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो जहां एनर्जी लूज करने की बात होती है सिस्टम खुद लूज कर सकता है। गेन करने की बात होती है तो एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट कैन फॉलो ऑल पॉसिबल पाथ। यदि सिंपल ऑफ एटम है, कुछ एटम इसको करेंगे, कुछ इसको करेंगे, कुछ एटम थर्ड पाथ को, कुछ एटम फोर्थ पाथ को, ऐसा अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते। Is that okay? इशा, हिराम, चेतन, हिमांशु? Yes sir. Yes sir. Yes sir. यही सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ था, क्लियर? जितने भी पॉइंट्स वहां पर थे एनर्जी के डेरिवेशन के पहले तक। किसी को लगता है कि ये वाला पॉइंट सर नहीं समझ में आया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में तो पूछ लो भी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूं। सर 11 पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। 11 पॉइंट, बट ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट कैन कम डाउन इन स्टेप 4-3, 3-2, 2-1, 4-3, 3-1 डायरेक्टली। हमें लास्ट 11 पॉइंट में बोल रखा है एक्साइटेशन तो उसका एक ही स्टेप में होगा, 1-2, 1-3, 1-5। हम यदि 1-2 पे चले गए तो 2-3 पे नहीं जा सकते, 1-3 डायरेक्ट जा सकते हो। क्लियर? अब जब बात करते हैं डी एक्साइटेशन की, नीचे आने की, एनर्जी डिक्रीज करने की, इलेक्ट्रॉन हैज टू एमिट फोटोन। इलेक्ट्रॉन को फोटोन एमिट करना है। अब यदि फोटोन एमिट करना है तो ये उसको किसी का वेट नहीं करना है। मेरे पास एनर्जी, मुझे लूज करना है तो मैं चाहूं जैसा एनर्जी लूज कर सकता हूं। मैं पहले फोर्थ फ्लोर से आया थर्ड फ्लोर पर, थर्ड से आया सेकंड पर, सेकंड से फर्स्ट। मैं फोर्थ से सेकंड भी आ सकता हूं, सेकंड से फर्स्ट। मैं 4-3 पे आया और 3-1 डायरेक्टली आ सकता हूँ, मैं 4-7 डायरेक्टली भी आ सकता हूँ। मतलब मेरे पास जितने पॉसिबल ऑप्शंस होंगे, आई डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। मुझे मेरे पास एनर्जी, मुझे लूज करना है। जैसे जैसे मैं लूज कर, जितने ऑप्शंस होंगे मैं सारे ऑप्शंस के थ्रू एनर्जी लूज कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी, इट्स अप टू इलेक्ट्रोड। इज दैट ओके? यस सर। सर एक बार 9 पॉइंट रिपीट कीजिए ना प्लीज।
कौन सा? नाइन्थ वाला, वो नाइन्थ। वैसे मैंने नाइन्थ और इलेवंथ ही रिपीट किया है अभी जो बोला है। जब मुझे ऊपर जाना है ना, जब इस मार्कर को ऊपर जाना है, इसे वेट करना पड़ेगा। तो जब एनर्जी आएगी तब तब तक इसे वेट करना होगा और एक ही बार में ऊपर जाएगा। क्लियर? तुम इसको ऐसे इमेजिन करो, मैंने इसको एनर्जी दी, ऊपर चला गया। जब बीच में है, तुम इसको एक पार्टिकल थ्रो करके फेंको दूर से, एक 50 मीटर दूर से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ये जो कैप है मार्कर का, उसे स्ट्राइक कर देगा? क्या बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी इस बात की। जब हवा में स्ट्राइक कर दो किसी दूसरे पार्टिकल को थ्रो करके, वो इतना कम टाइम है उसके पास हवा में, इतना कम टाइम है इलेक्ट्रॉन के पास एक्साइटेड स्टेट में, कि उतने कम टाइम में उसे एक और फोटोन सप्लाई करना, इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। तो वो वन से टू, टू से थ्री ऐसा नहीं जाएगा, वन में रहेगा। तो वन से कहीं भी हायर पे सेंड कर, बट नीचे आते टाइम स्टेप्स में आ सकता है। अभी क्लियर? डी एक्साइटेशन के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी होगी फिर? सारी सारी देखो, मैंने एक ग्राम हाइड्रोजन एटम लिया, वन ग्राम हाइड्रोजन एटम मीन 6×10^23 एटम्स, विच इज वेरी वेरी लार्ज एटम, बहुत बड़ा नंबर है। तो कुछ एटम फर्स्ट पाथ को फॉलो करेंगे, कुछ सेकंड को, कुछ थर्ड को, कुछ फोर्थ को, हर एटम अलग अलग पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। चेतन का मैसेज है, सर एक्साइट क्यों होता है? एक्साइट होता नहीं है ये मार्कर कैप, कभी भी अपने आप एक्साइट नहीं होगा, कभी भी अपने आप एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। अब बाहर से कोई आ गया और उसको एनर्जी दे दी, तब तो उसे एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, मतलब फोर्सफुली एनर्जी दे दी गई है। आया समझ में? Yes. ग्राउंड पे रखा हुआ है, अपने आप कभी भी मूव नहीं करेगा। जब मैं आऊंगा उसे किक करूंगा तभी वो मूव करेगा, फोर्सफुली मैंने किक कर दिया तो उसे मूव करना पड़ा। गॉट इट? यस। अपूर्वा, अथर्वा, भूमिका, समझ में आ रहा है इतना?
चलो देखो बोर्ड पर, आप टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमें दो एनर्जी है, एक एटम की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस पर। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 की टू बाय आर, क्या ये डेरिवेशन हमने पहले देख चुके हैं या पूरा मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है? देखा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना हमने, ये यहां तक हम डिराइव कर चुके हैं क्या पहले? यस सर। ठीक है सर, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनली ये पोटेंशियल एनर्जी आता है जो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जितने भी प्रोटॉन्स हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज इट इज स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, हाफ एज इट इज एज इट इज स्क्वायर बाय आर, क्लियर? So half as it is, kz square by r, potential energy, kinetic energy, k, k, z e square, z e square, r, सिर्फ यहाँ पे 2 extra और यहाँ पे negative sign extra, इतना समझ में आता है हमें? Yes sir. Yes sir. निकाल लेते हैं अब हम, potential energy plus kinetic energy, potential energy minus kz square by r, kinetic energy is half of kz square by r. So kz square by r, kz square by r common है, minus 1 plus half, minus half हो जाएगा ये. Minus kz square by 2r, ये आ रहा है हमारा total energy. थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। टोटल एनर्जी माइनस kz स्क्वायर बाय 2r, माइनस kz स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, रेडियस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n kz स्क्वायर, क्लियर? यहां पर जब तुम सारे वैल्यूज पुट करोगे, k k ये 2 बचा, k into k k स्क्वायर हो गया, e टू द पावर 4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया सब कुछ, पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बचा क्या यहाँ पे, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के, एन स्क्वायर बाहर ब्रैकेट, ठीक है, के इंटू के स्क्वायर आ गया, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू द पावर 4, मास पाई स्क्वायर 4 बाय 2, 2 बचा, नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, कॉपी करो जल्दी से। सर माइनस साइन किधर गया? माइनस साइन किधर गया? गुड क्वेश्चन, मैं भूल गया माइनस साइन। Thank you.
आंसर यस। चलो अब हम वैल्यू पुट करते हैं के ई एम पाई एच ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट सिर्फ जेड और एन वेरिएबल है यहां पर -21.2 × 10⁻¹⁹ जूल पर एटम इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इफ यू पुट एवरीथिंग इन एसआई यूनिट तो हम यहां पर इसका हमें एसआई यूनिट में ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर? हम इसे अर्ग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 21.2 × 10⁻¹² अर्ग्स ई आर जी ये कुछ होगा। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा कॉपी किया है सभी ने यहां तक यस सर। सबसे ज्यादा हम यूनिट यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्लियर? इस यूनिट को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या जो हमने डेरिवेशन किए हैं माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r ये था हमारा टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सॉरी टोटल एनर्जी का डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम था सिर्फ माइनस साइन के अलावा। क्या ये था प्लस के जेड स्क्वायर बाय 2r और ये था माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r? यस सर। सो यहां पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस साइन। पोटेंशियल एनर्जी डबल है टोटल एनर्जी से। टोटल एनर्जी था माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय r। सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा अदरवाइज सब कुछ सिमिलर वे में रहेगा। सो इसका डबल हो जाएगा माइनस 13.6 का डबल माइनस 27.2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी विल बी डबल ऑफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल ऑफ टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. हमारे पास ये रिलेशन है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है इस वीक में? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क बता देता हूँ, शायद लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया होगा, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा. Homework exercise 1 part 1 up to C6. Definitely section A or B शायद पहले भी दे दिए होंगे. Section C up to C6 part 1 part 2 up to C5, exercise 2, part 1, up to question number 9, part 2. ठीक है, इतना ही है होमवर्क में. मुझे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 9 एक मिनट, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा क्या किया था तो मुझे इतना याद दिलाना. सर एनर्जी के डेरिवेशन किए थे, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से एनर्जी के. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर पार्ट वन में क्वेश्चन 9 तक है क्या? पार्ट वन में अब तो क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट टू में कुछ भी नहीं है.